नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। इसमें हम आपको सुनाते हैं उस तारीख से जुड़े इंटरनेशनल किस्से। आज 24 फरवरी है और इस तारीख का ताल्लुक है फिदेल कास्त्रो से, आधी सदी तक चले उनके शासन से, जो 16 फरवरी 1959 से शुरू होकर आज की ही तारीख यानी 24 फरवरी 2008 को उनके इस्तीफे के साथ समाप्त हो गया था। कोका कोला कंपनी दावा करती है कि ये पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला ड्रिंक है। 1906 तक ये सिर्फ अमेरिका में ही बनता था, लेकिन फिर तीन और देशों में बनने लगा। ये तीन देश थे कनाडा, पनामा और क्यूबा। लेकिन फिर 1962 में कोका कोला को क्यूबा में अपना तारा ताम झाम समेट कर अमेरिका वापस लौटना पड़ा। आज भी दुनिया के 195 देशों में से क्यूबा उन दो देशों में है जहाँ कोका कोला पर प्रतिबंध है। दूसरा देश ऑफकोर्स नॉर्थ कोरिया है। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका की ये आइकॉनिक ड्रिंक अमेरिका के पड़ोसी देश में प्रतिबंधित हुई क्यों? कथा शुरू होती है साल 1952 से, जब फिदेल कास्त्रो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से देश के पॉलिटिक्स में कदम रख रहे थे। उसी दौरान 13 मार्च 1952 को जनरल फुलगेंसियो बटिस्टा क्यूबा का तानाशाह बन गया। फिदेल बटिस्टा की तानाशाही के खिलाफ खड़े हुए 26 जुलाई 1953 को अपने साथियों के साथ मिलकर मोकांडा बैरक्स पर हमला किया। फिदेल के 135 साथियों में से 60 से अधिक मारे गए। बाद में 22 अन्य साथियों को भी बिना मुकदमे के ही मार डाला गया। हालांकि फिदेल पर बाकायदा मुकदमा चला और 16 अक्टूबर 1953 को उन्हें 15 साल की सजा हुई। इस दौरान वकालत की पढ़ाई कर चुके फिदेल ने अपने बचाव में 2 घंटे लंबा भाषण दिया। ये भाषण इतिहास मुझे दोष मुक्त करेगा, सॉल्व करेगा नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। एक साल के भीतर भीतर ही मतलब 15 मई 1955 को फिदेल को रिहा कर दिया गया। छूटते ही कास्त्रो ने फिर से अपने क्रांति वाला मोड अपना ऑन कर दिया, गुरिल्ला युद्ध लड़ना शुरू किया और बटिस्टा को देश छोड़ने पर मजबूर करके माने। इसके बाद 16 फरवरी 1959 को कास्त्रो क्यूबा के प्रधानमंत्री बने और यहां से उनके हाथ में क्यूबा की बागडोर आ गई। क्यूबा में सत्ता संभालने के तुरंत बाद सोशलिज्म के समर्थक फिदेल देसी विदेशी सभी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने में लग गए। उन्होंने कहा कि क्यूबा में अमेरिकी कंपनीज की उपस्थिति ने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया है। क्यूबा की संप्रभुता की रक्षा के लिए इन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करना यानी नेशनलाइज करना इनको बहुत ज़रूरी है। इस राष्ट्रीयकरण की पूरी प्रक्रिया के बाद फिदेल रूस से तेल आयात करने लगे और इस तेल की प्रोसेसिंग होती थी उन्हीं राष्ट्रीयकृत फैक्ट्रीज में, उन कंपनीज में जो अतीत में अमेरिकी होती थी। तो जले पे नमक भी रगड़ा जा रहा है। इधर तेल के चलते क्यूबा की रूस से नज़दीकी बढ़ी, उधर चीनी के चलते अमेरिका से दूरी, अर्थात अमेरिका ने बदला लेने के लिए क्यूबा से चीनी आयात करना बंद कर दिया। तभी रूस ने घोषणा की कि हम क्यूबा से एक एक दाना चीनी का खरीद लेंगे और रूस ने ऐसा किया भी। 3 जनवरी 1961 को अमेरिका ने क्यूबा सरकार को दी हुई मान्यता वापस ली और हवाना यानी कि जो क्यूबा की कैपिटल है वहां अपना दूतावास बंद कर दिया। 17 अप्रैल 1961 को कास्त्रो की क्रांति के वक्त क्यूबा छोड़कर अमेरिका के फ्लोरिडा जैसी जगहों पर बसे लोगों से बनी गुरिल्ला सेना बे ऑफ पिग्स वाला हमला करती है। ये फुलगेंसियो बटिस्टा के समर्थक थे जिन्हें अमेरिका की CIA ने समर्थन दिया था, ट्रेनिंग भी दी थी। अमेरिका ने इसमें अपने विमान और टैंक्स तक का इस्तेमाल किया था। लेकिन इस षड्यंत्र के बारे में कास्त्रो को पता चल गया। क्यूबा ने हमले को तो विफल किया ही, साथ ही जब बे ऑफ पिग्स हमले में अमेरिकी हाथ के बारे में दुनिया को मालूम चला तो अमेरिका की खूब थू थू भी हुई। आने वाले कई सालों तक ये हमला अमेरिका के लिए जग हसाई का कारण बना रहा। फिदेल नेशनल हीरो के रूप में उभर गए और उनका नाम फिर आगे चल के लैटिन अमेरिका के और लीडर्स के साथ लिया जाने लगा। बे ऑफ पिग्स वाले हमले के बाद क्यूबा में राष्ट्रीयकरण बदस्तूर जारी रहा और कोका कोला भी इसकी जद में आई। क्यूबा से तामझाम समेट लिया उसने, साथ ही अमेरिका ने क्यूबा पर आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध भी लगाने शुरू कर दिए। 1962 में लगे इन प्रतिबंधों का मतलब ये था कि क्यूबा में कोका कोला जैसी अमेरिकी कंपनीज चाहकर भी वापस नहीं आ सकती हैं, काम कर सकती हैं। कुल मिलाकर 2 समानांतर प्रतिबंध थे, एक क्यूबा ने लगाया था और एक अमेरिका ने लगाया था। कौन कौन से थे वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला था राष्ट्रीयकरण के माध्यम से क्यूबा सरकार का विदेशी कंपनीज पर लगाया गया प्रतिबंध, और दूसरा था अमेरिका का क्यूबा पर लगाया गया ट्रेड एम्बार्गो, मतलब व्यापारिक और आर्थिक प्रतिबंध। लेकिन अमेरिका रूस और क्यूबा के इस प्रेम त्रिकोण की कहानी शुरू ही हुई थी, क्योंकि वो दौर याद कीजिए कोल्ड वॉर का था, 1960s की बात कर रहे हैं। अगस्त 1962 के दौरान अमेरिका को पता चला कि रूस क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स रखने के लिए बेस बना रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उन दिनों जॉन एफ कैनेडी और रूस के थे निकिता क्रुश्चेव। दोनों में ठन गई। अमेरिका ने क्यूबा में और मिसाइलें पहुंचने से रोकने के लिए नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। 13 दिनों तक पूरी दुनिया की सांसें रोक कर रखने वाला ये मसला 20 अक्टूबर 1962 को जाकर समाप्त हुआ। कैसे?
रूस क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटाने को राजी हुआ। इसके एवज में अमेरिका को इटली और तुर्की से अपनी जुपिटर मिसाइल्स हटानी पड़ी। अमेरिका को ये वादा भी करना पड़ा कि वो बिना प्रोवोकेशन यानी बिना उकसाए क्यूबा पर कभी हमला नहीं करेगा। लेकिन हालात सुधरते इससे पहले ही 1963 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या हो गई। इसमें भी प्रथम दृष्टया फिदेल का ही हाथ बताया गया। क्यूबा अमेरिका संबंध और बुरे हो गए इसके बाद। 1991 में क्यूबा की आर्थिक हालत गड़बड़ा गई क्योंकि सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया था। क्यूबा को अमेरिका का दुश्मन होने का जो फायदा कोल्ड वॉर के चलते मिल रहा था वो यूएसएसआर के टूटने से जाता रहा। तब फिदेल ने टूरिज्म को बढ़ावा दिया, अमेरिकी डॉलर के लिए रास्ता खोला। फिदेल ने 1992 से लेकर 2000 के दौर को स्पेशल पीरियड इन टाइम ऑफ पीस यानी शांति काल के दौरान का विशेष दौर या काल कहा। इस काल में फिदेल के अनुसार देश में कई रिफॉर्म्स हुए, हालांकि रिफॉर्म कम प्रतिबंध ज़्यादा थे। फिदेल का शासन लोगों के साथ कोई रियायत नहीं कर रहा था, हर चीज़ पर कंट्रोल रखा जाने लगा था। कितना पैसा है किसके पास, कितना खर्च हो रहा है, हर चीज़ की अकाउंटिंग थी और वो भी स्टेट लेवल पे। दिक्कत इतनी बड़ी थी कि फिदेल के सारे रिफॉर्म सारे प्रतिबंध ऊंट के मुंह में जीरा साबित होने लगे। 1994 में क्यूबा की जनता फिदेल के खिलाफ सड़कों पर उतर गई। देश में आर्थिक संकट पैर फैलाने लगा था। बहरहाल जैसे तैसे ही सही फिदेल जमे रहे। कहा गया कि इस दौरान उन्हें CIA ने 638 बार मारने का प्रयास किया। इसी थ्योरी पर बेस्ड एक डॉक्यूमेंट्री 638 वेज टू किल कास्त्रो में उन्हें मारने के कुछ प्रयासों के बारे में बात की गई है। बाद में फिदेल ने कहा भी, हत्या के प्रयास में बचने पर अगर एक ओलंपिक का आयोजन होता तो मैं उसमें स्वर्ण पदक जीतता। एक और किरदार के बारे में आपको जानना चाहिए, मारिता लोरेंस, कास्त्रो की सहायिका और प्रेमिका। गर्भवती होने के बाद वो बीमार पड़ गई और अमेरिका चली गई। यहाँ उनसे CIA और उस तरह की एजेंसीज ने संपर्क साधा और उनको कन्विंस कर लिया कि क्यूबा जाकर फिदेल को मार डालो। लेकिन कास्त्रो को इस साजिश का भी पता चला। कास्त्रो ने मारिता के हाथ में बंदूक पकड़ाई और कहा, मार दो मुझे। मारिता लोरेंस ने बाद में बताया, कास्त्रो ने सिगार सुलगाया और अपनी आंखें बंद कर ली। कास्त्रो को पता था कि मैं उसे मार नहीं सकती, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इसके अलावा कास्त्रो के सिगार में बारूद भरने से लेकर उनकी दाढ़ी जलाने तक CIA ने न जाने क्या क्या किया, क्या क्या न करने की कोशिश की। लेकिन 11 अमेरिकी प्रेसिडेंट्स आकर गुजर गए और फिदेल कास्त्रो जहां थे वहीं बने रहे। फिदेल और अमेरिका की दुश्मनी जस की तस रही। 1998 आते आते कास्त्रो कहने लग गए कि हमारा रसूख इसी बात से है कि हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश के दुश्मन हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन एक चीज़ थी जो नियत नहीं थी, वो थी फिदेल की उम्र। 2002 में एक स्पीच के दौरान ही बोलते बोलते कास्त्रो बेहोश हो गए। फिदेल कास्त्रो 2 साल बाद स्पीच देते देते गिर भी गए, अब के घुटना टूटा। 2006 में आंतों के रक्तस्राव के चलते उनकी एक सर्जरी हुई। इस दौरान 31 जुलाई 2006 को उन्होंने अपने भाई राउल कास्त्रो को सत्ता सौंप दी। फरवरी 2007 में राउल ने घोषणा की कि फिदेल के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और वो सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में भाग ले रहे हैं। इस पर टिप्पणी करते हुए उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति George W. Bush ने कहा था, एक दिन ईश्वर फिदेल कास्त्रो को हमसे दूर ले जाएंगे। अब इस टिप्पणी का सोचिए उन्होंने क्या जवाब दिया होगा। फिदेल कास्त्रो वैसे नास्तिक थे, फिर भी उन्होंने जवाब दिया, अब मुझे समझ में आया कि मैं बुश और अमेरिका के अन्य राष्ट्रपतियों के षड्यंत्र से क्यों बच गया, क्योंकि ईश्वर ने ही मुझे बचाया था। उस वक्त फिदेल की ये बात मीडिया में खूब चर्चित हुई, लेकिन फिर भी फिदेल की गिरती सेहत एक हकीकत थी। 24 फरवरी 2008 को फिदेल के अनुरोध पर उनके भाई राउल कास्त्रो को राष्ट्रपति बनाया गया। इस तरह 50 साल के करीब चले फिदेल कास्त्रो के शासन का अंत हुआ। शासन जिसमें पहले वह प्रधानमंत्री रहे फिर राष्ट्रपति, इन 5 दशकों में क्यूबा की सत्ता उनके ही हाथ में रही। 25 नवंबर 2016 को 90 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। रही बात कोका कोला की, तो इस एपिसोड के शूट किए जाने तक भी अमेरिका की ये कंपनी जो आइकॉनिक सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है क्यूबा में नहीं बेच पाती है, कम से कम लीगल तरीके से। हालांकि 2016 में बराक ओबामा के क्यूबा दौरे के बाद इस बात के संकेत मिले कि चीज़ें धीरे धीरे सुधरने लगेंगी। पिछले वाक्य में सुधार के साथ धीरे धीरे पर भी गौर कीजिए, 50 सालों से जम रही बर्फ को पिघलने में आखिर कुछ तो वक्त लगेगा। नई तारीख, नए किस्सों और नई कहानियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए करते हैं आपको नमस्ते।